Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to do working of unit 7 study of matter. But before starting our work, first recite dua after me, Rabbi Zidni Ilma. O my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. So in today's class, we are going to do working of unit 7, the study of matter. Open your books, page number 72. Write down today's date and day on the top of the page. We are doing the objective part of this unit. Question number 1. Choose the correct answer. 1. Which of the following is not one of the properties of water? Inmein se kaun sa ek option hai jo property nahi hai water ki? Number A. It has a definite volume. B. It does not have a definite volume. C. It has a definite shape. D. It does not smell of anything in particular. Very good. C. Because water has no definite shape. So, this one is the right option. Circle it. Now, come to number 2. Which of the following are ways to separate salt from water? Jimitan, mein se kaun sa aisa way hai jisse water ko salt se separate kiya ja sakta hai? A. Filtration. B. Evaporation. C. Decantation. D. All of the above. Who will tell? Very good. Option number B. Evaporation se सॉल्ट और वाटर जो है वो सेपरेट हो सकते हैं. सर्कल दिस ऑप्शन. नाउ कम टू नंबर 3. व्हाट कैन यू यूज टू रिमूव आयरन फिलिंग्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस? जी बेटा, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में से आप आयरन फिलिंग्स को किस चीज से रिमूव करेंगे? ए मैग्नेट, बी वाटर, सी फिल्ट्रेशन, डी इवेपोरेशन. जी बेटा, मैग्नेट से कर सकते हैं ना. वेरी गुड. सर्कल दिस ऑप्शन. नाउ कम टू नंबर 4. अ सॉल्यूशन इज क्रिएटेड व्हेन? जी बेटा, सॉल्यूशन कब क्रिएट होता है? ए. अ सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट. बी. अ सॉल्वेंट इज मिक्स्ड विद सैंड. सी. सॉल्ट इज मिक्स्ड विद फ्लावर. डी. शुगर इज मिक्स्ड विद सैंड. ऑप्शन नंबर ए. जब सॉल्यूट मिक्स होता है सॉल्वेंट के साथ तो सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है. ओके, सर्कल दिस ऑप्शन. नाउ कम टू नंबर 5. व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर? जी बेटा, इनमें से कौन से ऐसे टू ऑप्शंस हैं, ऐसे कौन से टू आइटम्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते? सॉल्ट, शुगर, ऑयल, सेंट. वेरी गुड. सी एंड डी. ऑयल और सेंट वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. सर्कल बोथ ऑफ देम. सो स्टूडेंट्स, हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 1? गुड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म्स इन कॉलम बी. दिस वन इज कॉलम ए एंड दिस वन इज कॉलम बी. अब आपको मैचिंग करनी है. ओके, नंबर 1. द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन. क्या कहते हैं सॉलिड को जो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, जो रिमेनिंग होता है? वेरी गुड. रेसिड्यू. मैच ऑप्शन नंबर ए विथ ऑप्शन नंबर सी और यू कैन राइट डाउन आंसर की हियर. ओके बेटा, द लिक्विड दैट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर. क्या कहते हैं उस लिक्विड को जो फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है? फिल्ट्रेट. ओके, नाउ कम टू नंबर 3. द मैथड यूज टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. क्या कहते हैं उस मैथड को जिससे हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है? वेरी गुड, डिकेंटेशन. नंबर 4. व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फॉल टू द बॉटम. क्या होता है फिर जब हैवियर पार्टिकल्स जो हैं वो फॉल हो जाते हैं बॉटम में? वेरी गुड, सेडिमेंटेशन. नंबर 5. द मैथड ऑफ सेपरेशन इन विच द लिक्विड इज हीटेड. कौन सा मैथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें लिक्विड को हीट किया जाता है? सुपर, इवेपोरेशन. ओके बेटा. सो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग भी ऐसे आंसर की बना लीजिए, इट विल बी बेटर. दीज आर द आंसर्स. बेटा, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? गुड. नाउ कम टू पेज नंबर 73. दिस इज पेज नंबर 73. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. गिव टू प्रॉपर्टीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए टू प्रॉपर्टीज लिखनी है. ओके, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम बुक पेज नंबर 61 and 62. ओके बेटा, वहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन हुआ हुआ है सॉलिड और उनकी प्रॉपर्टीज भी मैंशन है लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी. ओके, सो आप इन टू पेजेस से हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को अपनी अपनी नोटबुक्स में करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन एंड दिस हेडिंग्स विद ब्लू कलर पेंसिल. ओके बेटा, take care. Allah Hafiz.